सिवनी जिले के लखनादौन स्थित शासकीय सिविल अस्पताल में कथित विक्की कहार के हत्याकांड में इंसाफ के लिए शहर के नागरिक लड़ाई को लड़ रहे हैं। अर्चना तिवारी ने न्याय की लड़ाई में साथ देने के लिए समूचे क्षेत्रवासियों से आग्रह किया। इस मामले को लेकर गोडवाना गणतंत्र पार्टी ने जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में अनन्या के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई करने की बात कही गई। की अगली कड़ी पे हम लोगों ने हमारे जिलाध्यक्ष माननीय सम्मानीय पूर्व विधायक राम गुलाम जी के निर्देशानुसार हमारी जो अगली इस लड़ाई में सहभागिता है, जो कि इसके पहले भी हमने अल्टीमेटम दिए थे गवर्नमेंट को, राज्यपाल को और मुख्यमंत्री महोदय जी को, गृह मंत्रालय को, कि 8 दिन के अंदर मैं इसकी निरपक्ष जाँच करके और संतोष धुर्वे को रिहा किया जाए, लेकिन ऐसा अभी तक सरकार ने नहीं कर पाई। विक्की कहार मर्डर केस में पुलिस की जो कार्रवाई पहले दिन से ही रही है वो संतोषजनक नहीं रही है। नगर के समस्त लोगों में आक्रोश था और जो हम लोग समझ रहे थे पूरे नगर में जो बात चल रही थी वही हुआ। एक निर्दोष को उठा लिया गया है जिसका नाम संतोष धुर्वे है। हमारा सगल समस्त महिला मंडल नगर में इस बात को आगे तक ले जाएगा। अगर SIT की जांच में भी संतोष धुर्वे को ही गुनहगार साबित करता है प्रशासन, तो हम इस लड़ाई को आगे ले जाने तैयार है।